गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आपका मैं बहुत जल्दी से आपको रिपीट करती हूँ कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं वी हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ वी गेट फॉर्मूला बी इक्वल टू आई आर VI graph factors on which the resistance of a conductor we the same formula mila tha, R equal to rho L upon A. And we have learned about resistance. Resistance of a system of resistors. So दिस इज़ अ डेरिवेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो तीन रजिस्टर या उससे भी ज़्यादा हम एक के बाद एक लगाते हैं हमें इस लेसन में इस चैप्टर में दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं एक हम ले चुके हैं ले चुके हैं जिसको मैं बोल रही हूँ रजिस्टर्स इन सीरीज अब नेक्स्ट हम लेने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरल तो रेजिस्टर सीरीज के जैसा ही होगा ओम्स के लॉ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा जब हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिया था तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया था और इससे हमें मिला था आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नाउ वी आर टेकिंग रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लुक एट दिस डायग्राम दिस इज अ पैरल कॉम्बिनेशन थ्री रेजिस्टर्स हैविक रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री कनेक्टेड विथ अ बैटरी अपलग की एन अमीटर जिसमें आप जानते हैं कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हेल्पफुल होती है कि जब क्लोज होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है अमीटर है जो इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट के काम में आता है also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors and uh, voltmeter reading it gives the potential difference v it gives the potential difference v across the combination the potential difference across each resistors is also v so uh, can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistors. मैंने आपको बताया कि हमने R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स पैरल कॉम्बिनेशन uh, में लगाए हैं सीरीज में हम एक के बाद एक लेते हैं पैरल में एक के नीचे एक लेते हैं रेजिस्टेंस इसमें ये मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये की है ये मीटर है ये बैटरी है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जिसको हम आई लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल आई है जब ये एक्स पॉइंट पर जाती है तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है जब वो आर वन से पार्ट आर वन पार्ट में जाती है तो आई वन हो जाती है आर टू के लिए आई टू हो जाती है और आर थ्री के लिए आई थ्री हो जाती है लेकिन जब वो वाई पॉइंट पर आती है तो फिर से वो आई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आई जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है और फिर से आई हो जाती है इट मीन आई एक्चुअली आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री है सो so अरेंजमेंट इसका द अरेजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स ज्वाइन इन पैरल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स द टोटल करेंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करेंट थ्रू इच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन इट मींस आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री वी हैव वन फार्मूला बाई ओम्स लॉ दट इज वी इक्वल टू आई आर वी इज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आई इज अ करेंट आर इज अजिस्टर इससे मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि हम इसे दो फार्मूले और बना सकते हैं V इक्वल टू आई आर तो है ही इससे हम I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां हमें I के लिए वैल्यू चाहिए है तो V इक्वल टू आई आर से जब आप R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास फार्मूला होगा I इक्वल टू वी अपन आर इस फार्मूले की हमें यहाँ पे जरूरत होगी I इक्वल टू वी अपॉन आर के हिसाब से हम i1, i2 और i3 के फार्मूले भी निकाल सकते हैं आई इक्वल टू वी अपान आर है तो आई वन इक्वल टू वी अपान आर वन होगा अकॉर्डिंग टू डाइग्राम आर वन के साथ आई वन लिया है आर टू के साथ आई टू लिया है एंड आर थ्री के साथ आई थ्री लिया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मूले बनाए हैं सो आई इक्वल टू वी अपान आर आई वन इक्वल टू वी अपान आर वन आई टू इक्वल टू वी अपान आर टू एंड आई थ्री इक्वल टू वी अपान आर थ्री आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आई चेंज हो रहा है बट वी जो है वो हर जगह इक्वल है अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन वन जो है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो अब हमें इन चारों के फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करने हैं आई का भी आई वन आई टू और आई थ्री कांग्यू ऑफ आई आई वन आई टू आई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट आई की जगह मैंने रखा वी अपान आर आई वन की जगह वी अपान आर वन आई टू की जगह वी अपान आर टू एंड आई थ्री की जगह वी अपन आर थ्री वी गेट वी अपन आर इक्वल टू वी अपन आर वन प्लस वी अपन आर टू प्लस वी अपन आर थ्री अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा राइट हैंड साइड में वी हम कॉमन ले सकते हैं तो जब आप वी कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा वन अपन आर वन यहाँ बच जाएगा वन अपान आर टू और यहाँ पे होगा सो वी अपानीप्लीकेशन करोगे तो वी आपस में कैंसिलेट वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपानी सो इन दिस सिचुएशन वी मे कंक्लूड द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंट अ पैरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजल रेजिस्टेंस तो अब आपके पास सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन में दो फार्मूले हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क थैंक यू